गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज बच्चों स्टार्ट हो रहा हमारा एक लव्य बैच, जिसका पहला सेशन, ओपनिंग सेशन आपके बायोलॉजी से, ठीक है। सुबह का सेशन रखा है फ्रेश माइंड से, ठीक है, एकदम आराम से कामली आप चैप्टर में ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाना मतलब मेडिटेशन नहीं, मन से पढ़ सकते हो चैप्टर, और जब हम पढ़ाएंगे सुबह सुबह तो आपको बहुत अच्छे से याद भी रहेंगी चीजें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो विद ऑल योर फ्रेंड्स, फटाफट से, और लाइक बटन तो दबाना ही दबाना है, राइट। चलिए, हाय ध्रुव, हेलो वाटू, हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो मेहंदी, हेलो संजय, हाय शिवम, हेलो आराधना, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके चलिए, यस बच्चे जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से सेशन। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी प्रणवाल, एंड आई एम योर बायो एडुकेटर। और बच्चों, मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया है जो कि अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में अपना मेडिकल प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं, यस, ठीक है बच्चों, आपका नाम भी इसमें बहुत जल्द शामिल होगा। बस अपने हार्डवर्क, अपनी मेहनत को कायम रखिएगा, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगी, मैं आपका ऐसा साथ दूंगी कि आप एंड तक अपनी मेहनत को में बिल्कुल भी कमी नहीं पाएंगे, राइट। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लेट्स क्रैक के सारे अपडेट आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो बस मेरा नाम याद रखेंगे, डॉक्टर साक्षी बरनवाल, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, ओके। चलिए स्टार्ट करें, यस, गुड मॉर्निंग सुनील, हेलो अशरार, हेलो रोशनी, हुडा, खानम, हाय नीट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। जल्दी से बच्चों शेयर कर दो सेशन, यार आज फर्स्ट डे है, सीरियसली आज तो अटेंडेंस धूम मचानी चाहिए, एंड व्हाट इज दिस, जल्दी से शेयर करके आओ फटाफट से सेशन को। हां जी शेयर दिस सेशन जल्दी से। चलो, लेट्स स्टार्ट इट। गुड मॉर्निंग रितेश, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। क्यों सब जानना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, व्हाई इज इट नेसेसरी, पहले ये समझेंगे, ठीक है। डाइजेशन एक तरह का आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, देन इट इज नोन एज, क्या बुलाएंगे, मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं, देन दिस मेटाबॉलिज्म इज टाइप ऑफ व्हाट इट इज, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जल्दी से बताइए। तो डाइजेशन क्या है, एक तरह से इट इज कैटाबॉलिज्म, इजंट इट, ठीक है। खाने को बड़े आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है, दैट इज कैटाबॉलिज्म, राइट, वेरी गुड माटू, ठीक है। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में बहुत सारे, जब हम खाना खाते हैं उसमें हर तरह का पोषण होता है, राइट, देयर इज फैट, देयर इज प्रोटीन, देयर इज कार्बोहाइड्रेट, और सब क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा आपके हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, राइट, ठीक है। प्रोटीन्स का जो है वो अमीनो एसिड की चेन से बना हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड उसमें पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जॉइंड है। वहीं अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो जनरली पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, राइट। वहीं अगर हम फैट की बात करें तो लिपिड आपका जो है वो इजीली सॉल्युबल नहीं होता,
इसीलिए उनको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में डाला गया। अब इनको तोड़ने का, इनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देने का और ग्लूकोज में फाइनली कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे कर रहा है, क्या चीजें हो रही है, चलिए बात करते हैं। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, तो डायरेक्टली हमारा बॉडी उसको यूज नहीं कर सकता, उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटना पड़ेगा अगर उसको एब्जॉर्ब होना है, उसको यूटिलाइज करना है। अच्छा बेटा, अगर हम अपने बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ भी दे, शुगर बना भी दे, देन व्हाट विल हैपन विद दैट शुगर? क्यों चाहिए वो शुगर? वो शुगर मैम एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, बट कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है? हाउ इज इट प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी, बताइए, हाउ इज इट प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी? ग्लूकोज, यस। तो जो ग्लूकोज बनेगा, जो सबसे सिंपल आपका फॉर्म बनता, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज एनर्जी कैसे प्रोवाइड करा? जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज पहुंचेगा, इट विल लीड टू एटीपी प्रोडक्शन, राइट? इसीलिए डाइजेशन बहुत जरूरी, इसीलिए हमारे लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसीलिए हमारे लिए खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एट लास्ट वही हमारे लिए सोर्स ऑफ एटीपी बनाता है, ठीक है? चलिए, these have to be broken down and converted into simple substance in the digestive system. The process of conversion of complex food to simple absorbable form is called digestion. तो digestion क्या होता है? जब complex food को simple form में तोड़ते हैं, that is known as digestion. ठीक है? जब कोई भी complex substance आपका simple form में टूट रहा है, as simple as that is the definition of digestion. ठीक है? चलो, हाँ, बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल सही बात है प्रिंसेस, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये सिंपल चीजों में टूटते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक रोल है, हर एंजाइम किसी ना किसी चीज को तोड़ रहा है और वो हमें याद रखने, क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, राइट? चलिए, हाय आकांक्षा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका मेन एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसके थ्रू एक्चुअली फूड होके जा रहा है। एलिमेंट्री कैनाल वो पार्ट्स है हमारे बॉडी के जहां पे फूड होके जा रहा है, राइट? और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड वो है, वो आपके ग्लैंड्स हैं जो कि इन एलिमेंट्री कैनाल में किसी ना किसी तरह से सिक्रीशन पोर कर रहे हैं या किसी ना किसी तरह से आपके एलिमेंट्री कैनाल में फूड के डाइजेशन में मदद करें, इसलिए ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है? ध्रुव मैम, मेरे को 2023 में नीट देना है, अब तक पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है? कब तक पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा बेटा? फरवरी तक पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? फरवरी तक, मैक्सिमम मार्च मिड तक जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम मैं कह रही हूँ, ठीक है? चलिए, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ है? जहां से फूड हो के आ रहा है, फूड हो के आ रहा है, क्योंकि अब हमने लेट स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। पहले जो बैच स्टार्ट थे उनका बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से, ठीक है? चलिए, तो एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहां से फूड होके जा रहा है। तो इट्स बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारा चीज इन्वॉल्व होता है आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसा है? कंप्लीट है। व्हाट डू वी मीन बाय कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों? What do we mean by complete digestive system? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्योंकि हमने ये लिविंग वर्ल्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? लिविंग वर्ल्ड वाली यूनिट जब हमने की हुई है, ठीक है? एनिमल किंगडम रह गया, बट हमने कम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझा है, ठीक है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कॉकरोच भी पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको पता है कि कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। वेरी गुड हुडा, जब आपके टू ओपनिंग्स होती हैं, एक एंट्री के लिए एक एग्जिट के लिए, यानी कि माउथ से स्टार्ट हो और एनस पे खत्म हो, दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी गुड, ठीक है? क्या बात है उड़ा। चलिए, तो एलिमेंट्री कैनाल भी हमारा ऐसा है, बकल कैविटी, माउथ से ओपन हो रहा है, ठीक है? और एक्सक्रीशन कहां से हो रहा है? इंटेस्टाइन के बाद आपके रेक्टम के थ्रू एनस से आपके एक्सक्रीशन हो रहा है। ये आपकी पूरा एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम है। एक्सेसरी ग्लैंड में चार ग्लैंड आपको याद करने, ठीक है? वो फर्दर आपको पढ़ाए जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। बहुत मेजर ग्लैंड से बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके डाइजेशन में। अगर ये नहीं होंगे तो कभी भी डाइजेशन सही से नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल में आपका बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी, फिर ईसोफेगस है, फूड पाइप,
देन कम्स द स्टमक, जे शेप्ड ऑर्गन, उसके बाद आपका इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। इंटेस्टाइन भी दो तरीके के होते हैं, बाकी सारे तो सिंगल चीजें हैं, बट इंटेस्टाइन इज ऑफ टू फॉर्म्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटा इंटेस्टाइन और बड़ा इंटेस्टाइन। छोटा इंटेस्टाइन क्यों छोटा बोला जाता है, क्योंकि इसका ल्यूमन छोटा है। ध्यान से सुनना, व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज स्मॉल, बिकॉज इट्स ल्यूमन इज नैरोअर। लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमन बहुत बड़ा है, नॉट बिकॉज की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी सी होती, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत बड़ी होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बड़ी होगी, लेकिन उसका ल्यूमन बहुत छोटा होता है, इसलिए इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है हमारा, जहां पे मैक्सिमम आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है सच, यहाँ पे जो भी हो रहा है एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में हो रहा है, और एक्सक्रीशन फाइनली फिर रेक्टम से कराता है। मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट में डिवाइडेड है आपका, सबसे ऊपर वाला पार्ट उसका जो होता है वो डियोडेनम कहलाता है, सेकेंड पार्ट इज नोन एज जेजेनम, एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज इलियम। ये तीन पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। ठीक है, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सीकम, कोलम एंड रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलम एंड रेक्टम। सीकम में वही आता है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इन अस, दैट इज द पार्ट ऑफ सीकम। ठीक है, और कोलन क्या है आपका, कोलन बहुत ही वाइड पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर पार्ट है, जिसमें तीन पार्ट में वो डिवाइडेड है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन, एंड फाइनली कम्स द रेक्टम, जो कि एनस से डायरेक्टली आउटसाइड की तरफ कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर? हाँ, लिवर का पड़ोसी है गॉल ब्लैडर, बिल्कुल सही बात है, लिवर का पड़ोसी भी है और लिवर लिवर के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो दिक्कत आती है, बहुत सारा परहेज करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में आपके जब गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, इंसान फिर भी सर्वाइव करता है, क्योंकि बाइल उनमें तब भी बन रहा है, लेकिन उनमें बहुत सारा आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उनके ईटिंग में उनके ईटिंग हैबिट्स को चेंज किया जाता है कि उनका डाइजेशन अभी भी सिंप्लीफाइड रहे। ठीक है, चलो, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्या क्या पार्ट है, पार्ट याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर हम कह देंगे कल को मैम कि बच्चों कोलन में ये आ गया, आप कहोगे मैम कोलन कहाँ था, कोलन कहाँ था, ये बताओ सबको पार्ट ध्यान है, मुझे पता आपने आपको पार्ट को एक बार जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम एक बार शुरू कर देंगे तो आपके लिए सारा पार्ट धीरे धीरे एक एक करके आपके बढ़ता जाएगा, फूड और डाइजेशन वहां पे होता रहेगा। गॉल ब्लैडर इज नॉट, इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स नॉट अ ग्लैंड एक्चुअली, बट हाँ आपके सिक्रीशन पोर डाउन कर, यू कैन एक्चुअली काउंट इट लाइक दैट। ठीक है, मैम ने नहीं बोला बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेसरी जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद कर रहे हैं, दीज आर ऑल फोर। ओके, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, फर्स्ट थिंग इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट कैसे होते हैं, कैसे डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, वो सारी बातें करने वाले। एलिमेंट्री कैनाल में आपका 8 to 10 meter इन लेंथ वाला ट्यूब आता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कितना लंबा है, 8 to 10 meter लंबा है। ठीक है, जिसके मस्कुलर वॉल होते हैं ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, ताकि उसमें पेरिस्टाल्सिस हो पाए, जिससे फूड का मूवमेंट हो पाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस? क्या बोल रहे हम, एलिमेंट्री कैनाल 8 to 10 meter होता है, 1 meter समझते हो ना, 6.5 meter की आती है, 6 meter की एक साड़ी आती है, और ये क्या बोल रहा है, 8 to 10 meter। तो कैन यू इमेजिन हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है सिर्फ हमारे एनस तक, वो 8 to 10 meter लंबा होता है। ठीक है, जिसमें मस्कुलेचर वॉल होता है, और उसकी डायमीटर हर जगह पे वैरी करेगी, जैसे वाइडर डायमीटर आपकी कहाँ देखने को मिलती है, स्टमक में देखने को मिलती है, क्योंकि वो ऑर्गन थोड़ा इन्फ्लेट हो जाएगा, राइट? इट बिगिंस विद एंटीरियर ओपनिंग माउथ एंड ओपन्स आउट पोस्टीरियर थ्रू एनस। तो माउथ से स्टार्ट हुआ है एंड इट इज गोइंग टू एंड थ्रू एनस। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, एक ह्यूमन आपके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो माउथ है, माउथ के अंदर आपका बकल कैविटी है यहाँ पे। ठीक है, इसके अराउंड ही आपके सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगे। देन देयर कम्स द फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ईसोफेगस नीचे जाएगा एंड इट ओपन्स टू अ जे शेप्ड ऑर्गन, जिसको हम स्टमक कहते हैं। तो स्टमक में ओपन होगा, ये रहा आपका स्टमक, ईसोफेगस स्टमक में ओपन होगा, दिस इज द स्टमक।
स्टमक फाइनली कहाँ ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो अंतड़ियां आपको दिख रही है ना, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट करेगा लार्ज इंटेस्टाइन से। ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस पार्ट इज एनस, जो आपके एक्सक्रीशन कराता है। दिस इज हाउ योर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल लुक्स लाइक। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस और नो, ये साथ साथ मुझे मिलना चाहिए। यस मैम, नो मैम, नहीं समझ में आ रहा, रोको, पूछो फिर। मैं हर चीज को पढ़ाने के बाद आपसे जरूर पूछती हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं, वो आपको उस समय आंसर देना होगा। बीच में पूछोगे, हो सकता है मैं आंसर नहीं करूं, लेकिन हर टॉपिक को थोड़ा भी मैं पढ़ाती हूँ, आई डेफिनेटली आस्क कि आपको समझ में आया या नहीं। ये आपको आंसर करना पड़ेगा बेटा। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बट यू हैव टू टेल मी कि मैम नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, हिंदी मिक्स के मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। अब पार्ट्स के नाम मुझसे मत एक्सपेक्ट करो बेटा, मैं हिंदी में एक्चुअली नहीं जानती पार्ट्स के नाम, आई डोंट नो देयर नेम। ठीक है, मैं बोल तो हिंदी में ही रही हूँ आपसे। ओके, ईच टूथ, अब हम किससे शुरू कर रहे हैं? ओरल कैविटी से। वी आर स्टार्टिंग विद ओरल कैविटी, दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ योर एलिमेंट्री केनाल। तो माउथ एक ओपनिंग है, माउथ के अंदर जाएंगे तो क्या बनेगा आपका? ओरल कैविटी या बकल कैविटी, यू कैन कॉल इट ओरल कैविटी या बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर दो पार्ट्स मिलेंगे, दो चीजें मिलेंगे। व्हाट टू थिंग्स वी विल गेट इनसाइड द बकल कैविटी? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, व्हाट टू थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इनसाइड द बकल कैविटी? जल्दी से बताइए, फटाफट से, व्हाट टू थिंग्स आर यू गोइंग टू सी इनसाइड द बकल कैविटी? हां जी, क्या चीज देखेंगे? हमारे मुंह के अंदर क्या क्या दो मेन चीजें हैं? एक तो टीथ है, जैसे आप खाना खाते हैं, चबाते हैं, कूचते हैं, राइट? और दूसरा क्या है? टंग, पैलेट, बेटा वो सब तो आएगा, लेकिन मेन क्या? टीथ और टंग, ये दो आप चीजें जो देखते हैं स्पेसिफिक आपके मुंह के अंदर। यस, वेरी गुड हुडा, इट इज टीथ एंड टंग। ठीक है, तो टीथ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। टीथ जो होती है हमारे ह्यूमन अडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होती है। हाउ मेनी बच्चों? 32 परमानेंट टीथ। अब मुझे ये बताओ, क्या हर ऑर्गेनिज्म के अंदर 32 टीथ होती हैं या नहीं होती हैं? तो क्या कम होने से कोई फर्क पड़ता है? कम ऑन एवरीवन, जल्दी बताइए, डू यू थिंक देयर आर लेस देन 32 टीथ इन आवर माउथ? अगर आप अपने एज पे चेक करोगे, आपके मुंह में मैक्सिमम 28 टीथ होगा। नो वन इज हैविंग 32 अमंग यू गाइस। क्यों ऐसा मैम? क्योंकि मैम मेरा बुद्धि का दांत नहीं निकला है, देयर इज नो विजडम टीथ। तो बेटा विजडम टीथ जो होता है, जिसको आप लास्ट मोलर कहते हो, दैट कम्स अराउंड 17 इयर्स एज के बाद वो करीब करीब निकलता है, और 25-26 तक निकल जाता है। उससे लेट भी एक दो लोग का निकलता है, बट मैक्सिमम 25-26 ऑन एवरेज निकल जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे सेट ऑफ टीथ है हमारे पास, हर एक क्वाड्रेंट उसको अलॉट किया जाता है। हमारे फोर क्वाड्रेंट, हमारे माउथ को फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो मैंडिबल और मैक्सिला है, और उसमें भी इसको हाफ ऑफ कर दे तो 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन आवर माउथ। हर एक क्वाड्रेंट में 8 टीथ होते हैं, हर एक क्वाड्रेंट में 8 टीथ होंगे। दैट्स हाउ इट मेक्स इट 32, दैट्स हाउ इट मेक्स इट 32। अब टूथ का मॉर्फोलॉजी ऐसा है कि टूथ जो है अब सॉकेट में एम्बेडेड रहता है, चाहे वो मैक्सिला हो चाहे वो मैंडिबल, वो एक बोनी सॉकेट में एम्बेडेड रहता है, उसको ग्रिप दिया जाता है। ठीक है, चलो एक चीज मैं पूछती हूँ, जब आप छोटे थे आपके दूध के दांत टूट रहे थे, कितने बच्चों ने देखा था कि जब दांत टूटा तो नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऊपर छोटा सा टीथ निकला, नीचे कोई रूट उठ तो नहीं थी मैम? हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस? हाँ, अडल्ट में और बच्चों में थोड़ा सा टीथ में डिफरेंस होता है, वही मैं बात कर रही हूँ आपसे। जब बचपन में दांत गिर जाता है, दांत टूट जाता है, तो आपको ऊपर वाला हिस्सा मिलता है, नीचे खोखला रहता है, देयर इज नो रूट। देखा है ना, मम्मी कहती थी अरे इसको मिट्टी में डाल दो, ठीक है, यहां से नहीं तो तुम्हारा दांत का पेड़ निकलेगा, बहुत बहुत चीजें बोली जाती है, राइट? इजंट इट? तो दैट इज मिल्क टीथ। तो क्या उसमें रूट नहीं होता है मैम? देयर इज नो रूट इन मिल्क टीथ। जल्दी से बताओ, डू यू थिंक कि हमारे मिल्क टीथ में रूट नहीं होता है? बताइए, हमारे दूध के दांत में रूट नहीं होता, बिना रूट के ही दूध का दांत होता है? जल्दी बताइए, इज देयर रूट प्रेजेंट और नॉट इन मिल्क टीथ? हां जी,
तो बेटा दूध के दांत में भी, मिल्क टीथ में भी रूट्स होते हैं, बट हमारे बॉडी में आपके पूरी तरह से सब चीजें भगवान जी ने एकदम फिट करके भेजी है। जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, हमारे मिल्क टीथ का रूट जो होता है वो रिजॉर्व हो जाता है। रिजॉर्व मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और जब वो पूरी तरह खत्म हो जाता है तो आपका मिल्क टीथ सॉकेट से पॉप आउट हो जाता है, जिसके वजह से मिल्क टीथ शेड हो जाएंगे और उसकी जगह परमानेंट टीथ ग्रो करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मिल्क टीथ में भी रूट होता है, बट वो रिजॉर्व होता है विद टाइम, और उसको हटना रहेगा, इसलिए वो आपके बाहर निकल जाता है, टूट जाते हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं बचपन में दूध का दांत टूट जाता है, नया दांत निकलता है। एक दो बच्चे, मैं खुद डेंटिस्ट हूँ, आई हैव सीन सो मेनी किड्स, वो अपने परमानेंट टीथ तोड़ के चले आए थे क्योंकि हिल रहा था हल्का हल्का उनको लगा, और उसको हिलाते 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 वो परमानेंट टीथ तोड़ दिए कि ये तो नए निकल आएंगे। तो परमानेंट टीथ नहीं निकलते, परमानेंट टीथ फिक्स रहते हैं, वो एक बार हट गए या निकल गए तो इट कांट बी रिप्लेस, नया टीथ नहीं ग्रो करेगा। पूरे लाइफ में दो ही सेट ऑफ टीथ आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो दो सेट ऑफ टीथ है, एक मिल्क टीथ है, दूसरा परमानेंट टीथ है। ठीक है, तो देखो हमारा जो टीथ सेट है उसको दो तीन नाम से बोला जाता है। एक तो होता है थीकोडोंट, फर्स्ट इज थीकोडोंट। व्हाट इज थीकोडोंट? जल्दी बताइए व्हाट इज थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब है टीथ अपने बोनी सॉकेट में एम्बेडेड है, हर टीथ एक सॉकेट में जॉ बोन के एम्बेडेड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थीकोडोंट। ठीक है, टीथ इज एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थीकोडोंट, क्योंकि जॉ आपका बोन जो है उसको ग्रिप कर रहा है। दूसरा होता है डायफायोडोंट। व्हाट डू यू मीन बाय डायफायोडोंट? हमारे पूरे लाइफ में, किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ, या एक डेसिडुअस टीथ, एक परमानेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायफायोडोंट। इसके अलावा टीथ को हेटरोडोंट भी कहा जाता है। हेटरोडोंट, व्हाट डू यू मीन बाय हेटरोडोंट? जल्दी बताओ, मैंने दो तो बता दिया कि दो लिखा था यहाँ पे। Why it is known as heterodont? क्योंकि हमारे टीथ जो हैं, वो एक से ज्यादा तरीके के होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मिनिमम तीन तरह के टीथ हमारे जॉ में होते हैं, और जब हम एडल्ट बन जाते हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर जॉ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेटरोडोंट, बिकॉज ऑफ देयर ऑफ डिफरेंट टाइप। यस, there are different type, that's why they are known as heterodont. is it clear? yes. chal, human adult mein kitne teeth hai? 32. milk teeth kitne hote hain? chalo batao fatafat, dekh kaun bata payega. milk teeth kitne hote hain? kabhi count thodi na kiya ma'am, chote the, yaad thodi na. milk teeth kitne hote hain? how many? अच्छा, कोई एक बच्चा क्लास में ऐसा है जिसको ये फील हुआ है कि मेरे दूध के दांत ये वाले गिरे ही नहीं? एनी वन ऑफ यू, इट इज 20 एंड इट इज पॉसिबल। बहुत सारे लोग हैं जिनके दूध के दांत इतने ज्यादा फिक्स हो जाते हैं कि वो गिरते ही नहीं, देयर आर केसेस, राइट? तो बहुत सारे लोग आप में हो सकता हो जिनको ऐसा फील हुआ हो कि यार ये वाले दांत तो मेरे कभी गिरे ही नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। ठीक है, तो मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। अडल्ट टीथ कितने होते हैं? 32। क्या कमी है, क्यों कम रह गए? क्योंकि मिल्क टीथ में तीन ही तरह के टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, केनाइन एंड मोलर्स। देयर इज नो प्री मोलर इन योर मिल्क टीथ। तीन ही तरह के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन एंड मोलर, तीन ही तरह के टीथ होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? हमारे ह्यूमन अडल्ट के अंदर 32 टीथ होते हैं, जिसमें प्री मोलर भी प्रेजेंट होता है। तो आपके मिल्क टीथ का फॉर्मूला होता है 212, हर क्वाड्रेंट में 212 212 212, दो इंसाइजर्स, एक केनाइन और दो मोलर, दैट्स हाउ ईच क्वाड्रेंट योर कंटेन्स, राइट? दैट्स हाउ इट मेक्स 20 टीथ इन ईच ऑफ देम। ठीक है, चलिए बेटा शिवा, मैं इस समय चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, अगर आपका आवाज नहीं आ रही तो एक बार रिफ्रेश कर लो,
क्योंकि अपना माइक फट जाएगा, मैम इससे तेज बोलेंगी। चलो, बच्चे के साथ खुद भी मत गिर जाना रे। चलिए अब देखेंगे फोर टाइप ऑफ टीथ, जो अडल्ट की बात की जा रही है। अभी हमने बच्चों वाला देख लिया, दैट इज रफा दफा, अब हम अडल्ट टीथ के बारे में बात करें। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला ये लिखा तो बेटा जी, अभी तो लिखा है डेंटल फॉर्मूला, दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट टीथ 212। अब हम अडल्ट टीथ की बात करें, यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला इज 2 1 2 3, इज इट क्लियर? ईच क्वाड्रेंट हैज 2 1 2 3 2 1 2 3। ओहो, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। ईच क्वाड्रेंट हैज दीज नंबर ऑफ टीथ, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। चलिए, तो कौन कौन से टीथ होते हैं? इंसाइजर। इंसाइजर कितने होते हैं? दो। कौन से दो इंसाइजर होते हैं? एक होता है सेंट्रल इंसाइजर, दूसरा होता है लेटरल इंसाइजर। ठीक है, जो आपके जो बड़े बड़े दांत दिखते हैं खरगोश वाले, ये बड़े वाले दांत, खरगोश वाले दांत, दैट आर सेंट्रल इंसाइजर। और सेंट्रल इंसाइजर के बगल में उसका भाई होता है जिसको हम लेटरल इंसाइजर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका किनाइन, जब से शार्प टीथ, जो एकदम चौकीली सी टीथ होती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, मैं नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका केनाइन ज्यादा शार्प होगा, क्योंकि केनाइन इज मेंट फॉर टियरिंग। तो मीट को टियर करना, चिकन को टियर करना, वो केनाइन मदद करता है। तो ज्यादातर वेजिटेरियन में केनाइन इतना शार्प नहीं होता, लेकिन नॉन वेजिटेरियन ओमनिवोर्स में, ठीक है, आपके केनाइन काफी शार्प होता है। ठीक, प्रीमोलर्स इसके बाद आएंगे, एक ही केनाइन होता है। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? दो प्रीमोलर, प्रीमोलर होते हैं। ठीक है, एंड फाइनली दे आर थ्री मोलर्स, जिसमें से दो आपके 16-17 एज तक आपके सारे रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके लगभग 17 एज के बाद थर्ड प्रीमोलर आपका निकलना शुरू होता है। ठीक है, बहुत लोगों में जब ये थर्ड प्रीमोलर निकल रहा होता है, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं, बुद्धि का दांत ऐसा बोला जाता है, बट देयर इज नो कनेक्शन ऑफ इट, कोई बुद्धि का दांत वो नहीं होता, वो परेशान ही करता है। जब वो निकलता है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है, और कई बार उनको सर्जिकली रिमूव भी कराना पड़ जाता है। ठीक है, चलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, हाँ, पेनफुल होता है, यस, इट विल टेक टाइम टू कम आउट। क्यों पेनफुल होता है, टेल मी दैट, क्यों पेनफुल होता होगा? क्योंकि जो वो स्पेस है वहां पे ऑलरेडी सारे दांत अपने आप को सेट कर चुके हैं। अब मोलर इतना बड़ा दांत, मोलर बहुत बड़ा दांत होता है, वो कह रहा है मेरे को निकलना है, और वहां स्पेस कम है, वो कहेगा नहीं मैं तो निकल के रहूंगा, तो वो धक्का मुक्की करता है, और निकलने के लिए जो धक्का मुक्की करता है उसी से दर्द होता है। ठीक है, चलो डेंटल फॉर्मूला की बात करें, तो आपके अपर हाफ और लोअर हाफ में इस तरह से टीथ अरेंज होते हैं 2 1 2 3 के फॉर्म में। ये मैंने डेंटल फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, इट इज 2 1 2 3, इट मेक्स 32 टीथ इन ऑल। ओके, चल क्वेश्चन। ग्राइंडिंग और चीक टीथ आर, जो टीथ आपका ग्राइंडिंग में, चीजों को तोड़ने में, और चीक टीथ के नाम से पॉपुलर, विच टीथ इज दैट? दिस इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन एक्चुअली। हाय प्रियंका, गुड मॉर्निंग। चलिए, चलिए बताइए, चीक बोन में अगर बात करेंगे, आपका ये चीक है, राइट? यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आपके प्री मोलर से चीक टीथ स्टार्ट हो जाते हैं, प्री मोलर फिर मोलर, तो सारे ही चीक टीथ में आते हैं। इट इज प्री मोलर एंड मोलर बोथ, नॉट वन। मोलर से पीछे होते हैं, ठीक है, आगे की तरफ प्री मोलर होते हैं, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर चीक टीथ। ये भी ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। ये मोलर से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन क्रशिंग में, ग्राइंडिंग में बहुत अच्छे से मदद करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इट इज बोथ मोलर एंड प्री मोलर। It is both molar and premolar. Okay? चल,
टंग पे आ गए भाई, जबान, जिसको कहते हैं हम जबान, जबान केसरी मत बोलना, जबान बस कहते हैं, ठीक है। बहुत तेज चलती है, कैसी, मम्मी कहती कैची की तरह चलती है तुम्हारी जबान, कहती है कि नहीं, कैची की तरह जबान चलती, काट दूंगी, ठीक है। तो यही होती है हमारे टंग, इट इज अ प्योरली मस्कुलेचर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, ठीक है, पूरे मस्कुलर मसल से ही बना है और कोई चीज में प्रेजेंट नहीं होती है। किस काम में आता है आपका, ठीक है, किस काम में आता है, फूड की मिक्सिंग में, सलाइवा को मिक्स करने में फूड में, और टेस्ट लेने में फूड का मदद करता है हमारा टंग, ठीक है, टेस्ट लेने में मदद करता है हमारा टंग। देखो सबकी कैची की तरह चल रही है, हाँ जी, चलो। तो टंग हमारा क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड को आपके मिक्सिंग करने में, सलाइवा को मिक्स करने में और टेस्ट करने में, दो चीजों में मेनली मदद करता है, एंड इट इज स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल नहीं होता आपका टंग, क्योंकि आप टंग को खुद से आप मूव कर सकते हो, ठीक है, टंग को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परमिशन की जरूरत है कि आप चाहोगे तभी कंट्रोल कर सकते हो उसको, अपने मन से जबान नहीं चलने लगती है। तो अगर आपको आपको लगता है ना कि मैम ये तो निकल गया, ये निकला नहीं है मुंह से बात, दिस यू वॉन्टेड टू से, तो आपके कंट्रोल में था ये, बट आपने बोल दिया, समझ रहे हो, तब आगे से कोई कहेगा आपसे कि यार मेरे मुंह से गलती से निकल गया, तो कह देना वो स्केलेटल मसल से बना हुआ है, तो आपने गलती से नहीं निकल सकता, वो आपके कंट्रोल में था, ठीक है। चलिए टेस्ट बर्ड की बात करें तो टंग पे पूरे टेस्ट बर्ड बिछे हुए होते हैं, ठीक है, पूरे बिछे हुए होते हैं, जिसको हम पैपिला कहते हैं, बहुत तरह के पैपिले होते हैं जो कि आपका टेस्ट परसीव करने में मदद करते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ पैपिला, ठीक है, अपने आप चलती तो आफत आ जाती है, हाँ सही बात है, आफत ये वाला काम होता, ठीक है। तो तीन तरह के पैपिले होते हैं, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड सर्कमवेलेट, तीन तरह के पैपिला आर प्रेजेंट, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड सर्कमवेलेट, इज इट क्लियर, तीन तरह के पैपिले हैं, हाँ, स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ टंग, इट इज नोन एज पैपिले, यस, दीज आर स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ टंग, इसको हम पैपिले कहते हैं, वेरी गुड प्रियंका, ठीक है, तीन तरह के पैपिले होते हैं, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड सर्कमवेलेट, और भी होते हैं एक दो, बट अभी आपके लेवल पे इतना बहुत है, ठीक है, ये भी जान लिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। फंगीफॉर्म कैसे होते हैं, मशरूम शेप्ड होते हैं, अगर हम फंगीफॉर्म पैपिले की बात करें तो ये कुछ इस शेप के होते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म की करें तो ये पतले पतले थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है, दीज आर फिलीफॉर्म, और सर्कमवेलेट आपके जो पैपिले होते हैं वो पोस्टीरियर सिचुएटेड होते हैं कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, ये आपके दो लाइन के फॉर्म में सर्कमवेलेट पैपिले अरेंज रहते हैं, इस तरह से आपके सर्कमवेलेट पैपिले। फर्स्ट ईयर ऑफ योर मेडिकल आप ये पढ़ने वाले हो, टंग पे 10 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, फुल क्वेश्चन, तो टंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एनाटॉमी का बनने वाला है, वंस यू एंटर योर मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी का ही आपके हेड एंड नेक रीजन की एनाटॉमी की बुक मिलती है, बीडी चौरसिया, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टंग, जिसमें आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले, ठीक है। चलो तीन तरह के हमने क्या बात की है, पैपिले प्रेजेंट है, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड सर्कमवेलेट। टेस्ट रीजन की बात करें तो तीन तरह के टेस्ट हम परसीव करते हैं, दैट इज स्वीट, सॉल्ट, बिटर एंड सार भी हम टेस्ट करते हैं, तो बट सार इज अ मिक्सचर कहते हैं सबका, खट्टापन एक तरह से सबका एक एरिया, सार भी आना चाहिए यहाँ पे, वैसे तो एक टेस्ट ये भी है, ठीक है। तो टिप ऑफ द टंग जो होती है, जब हम चीनी खाते हैं या कोई मीठा खाते हैं, वो हमारे टंग के टिप पे मीठा लगता है, क्योंकि वहां पे उसके जो पैपिले हैं वो उसके लिए आपके ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। सॉल्ट हमें जो होता है साइड ऑफ टंग में ज्यादा लगता है, इस एरिया में आपको सॉल्ट ज्यादा लगता है, दिस इज द एरिया फॉर सॉल्ट, ठीक है, दिस इज द एरिया फॉर सॉल्ट, ठीक है। वही हम बात करें स्वीट की, तो स्वीट इज इन द फ्रंट, फ्रंट रीजन में आपका स्वीटनेस आपको फील होता है, दिस इज स्वीट, दिस इज सॉल्ट, ठीक है। और आपका जो तीसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, थर्ड थिंग इज योर बिटर टेस्ट विच इज सीन इन पोस्टीरियर रीजन, ठीक है, यहाँ पे बिटर टेस्ट आपको देखने को मिलता है, दिस इज बिटर, इज इट क्लियर, ये आपके रीजन से अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बट, इज इट क्लियर, यस। चलो
फंक्शन, फंक्शन क्या टंग का? फूड को टेस्ट लेना, ठीक है, उसको स्वैलो करना, बोलने में मदद करना। अगर टंग नहीं रहेगी तो आप बातें भी नहीं कर सकते, क्योंकि टंग के मूवमेंट से ही आपके वर्ड्स प्रनन्स होते हैं। लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, बट वो वॉइस प्रोड्यूस करने के बाद टंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही आवाज निकालने में मदद करता है। इज इट क्लियर? चलिए, आज बच्चे बहुत लेट हैं, बहुत लेट हैं। सुबह उठने की आदत डाली मैंने, सुबह 7 बजे की क्लास नहीं लगाई है, 9 बजे की लगाई है। बेटा 9 बजे भी नहीं उठ पा रहे हो तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड एट द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम? अगर हम माउथ की बात करें, ठीक है, ये माउथ है, मान लीजिए यहाँ पे आपका टंग है, ठीक है, ये ओरल कैविटी के बेस में किससे जुड़ा हुआ है? फ्रेनुलम के, फ्रेनुलम के, ठीक है। दिस इज टंग विच इज जॉइंट टुवर्ड्स ओरल कैविटी, ठीक है, बेस ऑफ ओरल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। जो लोग लेट उठे उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट आएंगे फैरिंग्स। ओरल कैविटी, बकल कैविटी कंप्लीट हुआ, वहां पे क्या देखा? टीथ देखा हमने, टंग देखा, ठीक। अब हम आएंगे फैरिंग्स पे। फैरिंग्स नेक्स्ट पार्ट जो हमारे बकल कैविटी से आगे चलेगा, दैट इज फैरिंग्स। फैरिंग्स एक अद्भुत एरिया है जो बहुत चीजों को कनेक्ट करता है, यस, इसलिए इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, तबीयत नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो अपना, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि तो अगर आप बीमार पड़ गए तो आपकी पढ़ाई सफर करेगी, ठीक है। फैरिंग्स ऐसा पार्ट है जहां पे बहुत सारी ओपनिंग ओपन होती है, ठीक है। कई बार आप नाक में दवा डालते हो, नाक के थ्रू या कान के थ्रू दवा डालते हो, उसका स्वाद मुंह में आता है, आता है कि नहीं? कभी हुआ ऐसा? कभी ऐसा हुआ है, नाक में दवा डाली या कान में दवा डाली तो मुंह में स्वाद आ रहा है? हुआ है कभी ऐसा? स्पेशली कान में बहुत ज्यादा होता है, या कान में दवा डाली नाक में चढ़ रही है, हुआ है? यस, क्यों? क्योंकि सारी ओपनिंग कॉमनली जाके फेरिंग्स में ओपन हो रही है, फेरिंग्स कनेक्ट कर दे रहा है सारी चीजों, ठीक है। तो चाहे आपका नाक हो, चाहे आपका मुंह हो, चाहे आपका कान हो, चाहे आपका गले में फूड पाइप हो, चाहे विंड पाइप हो, सारी चीजें फेरिंग्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। हाँ, पानी आ जाता है, कई बार आप पानी जल्दी जल्दी पी रहे हैं, सरक जाता है तो नाक से पानी निकल आता है, होता है ना? मम्मी कहती है अरे आराम से पियो, धसका लग गया, पीछे ठोकती है धड़ धड़ धड़, राइट? वो क्या हो रहा है? फेरिंग्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, फेरिंग्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, राइट। चलिए, इट पार्टिसिपेट्स इन स्वेलोइंग। स्वेलो करने में इनका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि स्वेलो करने में किस पाइप में फूड जाना चाहिए वो फेरिंग्स मदद करता है, ठीक है। भाई इनके पास दो पाइप ओपन हो रहे हैं, एयर पाइप और फूड पाइप दोनों, राइट, विंड पाइप और फूड पाइप दोनों। खाना आपकी फूड पाइप में जाना चाहिए, ठीक है, फेरिंग्स के बाद। तो देखो क्या क्या ओपनिंग रखता है फेरिंग्स, दो नेजल ओपनिंग, तो दो नेजल चैम्बर है जो कि ओपन कहाँ होते हैं? फेरिंग्स में ओपन होते हैं। दो यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब किसका पार्ट है? ईयर का, तो ईयर की ओपनिंग फेरिंग्स में, ठीक है। फिर गलेट क्या है? गलेट आपके ईसोफेगस यानी फूड पाइप की ओपनिंग, फूड पाइप की ओपनिंग गलेट, वो भी कहाँ ओपन हो रही है? फेरिंग्स में, नीचे की तरफ। वहीं उसके बगल में ग्लॉटिस है जो कि ट्रेकिया की ओपनिंग है, जो कि विंड पाइप की एंट्री देता है, दैट इज ऑल्सो ओपन्ड इन फेरिंग्स। और इसके अलावा हमारा ओरल कैविटी, बकल कैविटी भी फेरिंग्स में खुलता है। तो इतनी सारी ओपनिंग फेरिंग्स में, देखो टू, फिर ये भी टू, फिर ये वन, ठीक है, दो, चार, पांच, छह, सात, सेवन ओपनिंग्स होती है इसकी, सेवन। इट्स टू मच, बहुत चीजों को कनेक्ट कर रहा है और बहुत ही बखूबी कनेक्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप खाना खा रहे हो और विंड पाइप में चला जाए, आप सांस ले रहे हो और फूड पाइप में चला जाए, हर चीज को ये मैनेज करके चलता है, ठीक है, हर चीज को, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे मैनेज हो रहा है।
यहाँ पे ध्यान से डायग्राम देखो, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे फेरिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ये ओपनिंग है, पूरा चैम्बर है। यहाँ देखो नेसल कैविटी आपकी ओपन होगी, ऊपर से यहाँ पे नेसल कैविटी आ रहा है, दिस इज नेसल कैविटी, ठीक है। साइड से ईयर ओपन होगा, फिर ये देखो बकल कैविटी यहाँ से ओपन हो रही है, नीचे यहाँ पे आपका एपिग्लॉटिस से ग्लॉटिस में जा रहा है, और दिस इज योर गलेट जो कि फूड पाइप में जा रहा है। तो ये सारी ओपनिंग्स है आपकी कहा फेरिंग्स के अंदर, ये चार आपको दिख रही है, ठीक है, चार के पांच दिख रही है, और यूस्टेशियन ट्यूब वाली यहाँ पे विजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके क्रॉस सेक्शन इस तरह 2D लिया गया है, ठीक है। याद वाली बात नहीं है, जब क्या बोल रहे हो, एपिग्लॉटिस ना ऑफ नहीं होती तो विंड पाइप में फूड चला जाता है, तब हिचकी आती, हिचकी नहीं आती है, तब हिचकी इसलिए नहीं आती है बेटा, गलत 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 है आंसर आपका, तब आपको खांसी आती है या छींक आती है, समझ रहे हो, तब खांसी आती है मोस्टली आपको, अगर विंड पाइप में कुछ चला जाए मोस्टली आपको खांसी आती है। जब हिचकी कब आती है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपका, समझ रहे हो, वो अंतर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़ोगे, ठीक है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से आपका हिचकी आता है, जब लगातार कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। मैम टंग की लेंथ कितनी होती है, टंग सबकी जबान तो बहुत लंबी होती है सबकी, पर सबकी जबान की लेंथ अलग अलग होती है, इज इट क्लियर। चल नेक्स्ट आएंगे हमारे फूड पाइप में, दैट इज ईसोफेगस, व्हिच इज आल्सो नोन एज फूड पाइप, व्हिच इज आल्सो नोन एज फूड पाइप, इज इट क्लियर, इट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप, ठीक है। आपके कहां से शुरू हो रहा है, फेरिंग्स के बाद फूड पाइप आपके गलेट से स्टार्ट हो जाएगा, और इट्स अ लॉन्ग पाइप व्हिच ट्रांसवर्स योर नेक, थोरेक्स, डायफ्राम, और फाइनली कहां जाएगा आपके स्टमक में जाता है। स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग या जे शेप्ड ऑर्गन जहां पे आपका इसोफेगस ओपन हो रहा, ठीक है। ये रहा हमारा माउथ, फिर यहाँ पे रहा फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद नीचे ओपन हो रहा है ये इसोफेगस, जो कि डायरेक्टली कहां जाएगा, ये रहा आपका स्टमक, जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक में ओपन होगा, यहाँ पे देखो स्टमक में ओपन हो रहा है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, इस तरह का शेप होता है ना स्टमक का, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जे शेप्ड ऑर्गन, इज इट क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जे शेप्ड ऑर्गन। आपका जब ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है तो खाना एक बार में नहीं जाता, समझ लो आपने बहुत सारा खाना खा लिया, आपको पता है आपको बर्गर बहुत पसंद है, किसको किसको बर्गर पसंद है, बर्गर, बर्गर नाम आता तो मुंह में पानी आता है, तो बर्गर क्या होता है, इतना बड़ा बना के देता है, ठीक है, कई बार आप खा नहीं पाते तो आप एक बाइट लेते हो, इतना बड़ा सा मुंह में भर जाता है, राइट, उसको आप चबाते हो चबाते हो चबाते हो, इतना सारा चबाते हो, ठीक है, इतना सारा बर्गर ले लियो, क्या सारा एक साथ आपके स्टमक में गटगट गटगट पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, देयर इज अ सिस्टम, ठीक है, इतना हड़बड़ी में खाना नहीं जाता है, देयर इज अ सिस्टम, खाना च्यू होगा, खाना एलिमेंट्री कैनाल से जाएगा, धीरे धीरे आपके स्टमक में गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, ठीक है। मैम ऐसा कैसे होता है, क्योंकि ईसोफेगस के एंड में स्टमक की स्टार्टिंग एक बैठा है पहरेदार, कौन बैठा है, पहरेदार, राइट, एक बैठा है पहरेदार, गेटमैन, जिसको हम कहते हैं स्पिंक्टर, देयर इज अ मस्कुलर स्पिंक्टर, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर, कौन बैठा है बच्चों, एक पहरेदार बैठा है, कहता है मैं देख के जाने दूंगा, भाई सबको थोड़ी ना जाने दूंगा, ठीक है। जब आप किसी मूवी हॉल में जाते हो तो चेकिंग होती है ना, ऐसा थोड़ी ना होता कि भीड़ आई तो भैया जाओ 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 देख लो सब लोग, नहीं, वो चेकिंग करता है एक एक की आईडी, एक एक का टिकट कि भाई है ना सबके पास, वैसे ही ये पहरेदार थोड़ा थोड़ा खाना अंदर जाने देता है, एक बार में सारा नहीं घुसने देता, राइट, कि भाई अंदर जगह नहीं है, तो कहेगा बहुत जगह है, वो कहता है नहीं जगह है, फिर वो कहता है नहीं बहुत जगह है खाना, तो स्पिंक्टर कहता है नहीं जगह है भाई धीरे धीरे भेजूंगा, राइट। तो स्पिंक्टर क्या है, वन वे ओपनिंग है डेफिनेटली, व्हिच एंटर्स द फूड, व्हिच मेक्स द फूड एंटर फ्रॉम फूड पाइप टू स्टमक, ठीक है, धीरे धीरे खाना आता है, एक बार में पूरा नहीं डालता, इसीलिए ये आपके एक गेटमैन बैठाना जरूरी है। तो ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज गैस्ट्रो इसोफेजियल
गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर इट इज नोन एज। ओके, ये जो ओपनिंग है, ओके यहां पे। इसके अलावा क्या होता है आपके पूरे इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होता है। अगर इसोफेगस की बात ना भी करें, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस हम क्लियरली इसोफेगस में देख सकते हैं, बट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्सिस होता है, क्योंकि फूड को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाना होता है। राइट, इज इट क्लियर? तो फूड को आगे बढ़ाने के लिए एक रेगुलर आपके मूवमेंट होगी आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स व्हिच लीड्स टू, ठीक है, योर पासिंग ऑफ योर फूड टू द फर्दर ऑर्गन। ठीक है, ये आपका होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कैसे होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, चलो देखते हैं। ये आपका मान लो वाइन फूड पाइप, दिस इज फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप है, ठीक है। यहां से आपके खाना घुसा बोलस के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो ये वाला पार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा रिलैक्स करता है, ये ओपन होता है थोड़ा, ठीक है। तो जब खाना इधर से पुश होगा और नीचे जगह बनी है, तो खाना नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब खाना आ गया यहाँ पे, अब ये वाला नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपके इनवर्ट फोर्स लगेगा कॉन्ट्रैक्शन का, ये थोड़ा आपका रिलैक्स करेगा, फिर खाना और नीचे आएगा। ऐसे करते करते पेरिस्टाल्सिस की वजह से खाना नीचे की तरफ आने लगता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, हाँ, अभी स्टमक में पहुंचे नहीं बेटा, मतलब स्टमक में क्या हो रहा है हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने डाइजेशन भी नहीं सुना, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, खाना कैसे पहुंचेगा वो हम बात करेंगे, ठीक है। खाना जब माउथ से चलता है बकल कैविटी में च्यू होने के बाद, वो सलाइवा से मिक्स होगा और एक लड्डू बन जाता है, एक काइंड ऑफ लड्डू बन जाता है, जिसको हम बोलस कहते हैं, और वही बोलस इसोफेगस में नीचे आता है, दिस इज बोलस, ठीक है। और यही बोलस धीरे 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 जाते जाते आपके स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में जब और सारे एंजाइम उस पर ट्रीट करते हैं, तो इट कन्वर्ट्स इनटू काइन, ठीक है, स्टमक में काइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम डाइजेशन जब शुरू करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे एक बार और। अब हम आ गए स्टमक में, विच इज जे शेप्ड ऑर्गन, विच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, इजंट इट। चलिए, जे शेप्ड सैक है, जो कि अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में देखा जाता है, अपर लेफ्ट लेफ्ट की तरफ देखा जाता है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें भी मसल्स प्रेजेंट है, मसल की लेयर्स प्रेजेंट है, जो इनमें खाना आपके मूव कराने में, डाइजेस्ट कराने में मदद करती है, ठीक है। प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस फॉर डाइजेशन। अब स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। आप केमिस्ट्री लैब में HCl या H2SO4 रखा रहता है, तो मैम कहती है कॉन्सेंट्रेटेड आराम से छूना, जल मत जा, बोलती है कि नहीं केमिस्ट्री लैब में, भाई HCl H2SO4 आराम से छूना, क्योंकि ये एसिडिक है और जल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यही HCl जो इतना ज्यादा एसिडिक होता है, यही हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, तब हमारा स्टमक क्यों नहीं जलता है बताओ? जिस चीज को छूने से आपकी स्किन जल सकती है, एपिडर्मिस, उसको स्टमक अंदर रखता है। स्टमक तो खुद एक मस्कुलर ऑर्गन है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, उसके अंदर HCl होता है, कैसे वो प्रोटेक्टेड रहेगा? वेरी गुड, नर्व, इट हैज म्यूकस, which protects the stomach lining from the acid. Very good. तो हमारे stomach के अंदर mucus का भी present होता है. Mucus slimy material होगा, जो कि आपके stomach की lining को acid से जलने से बचाती है. इतनी thick mucus की layer होती है. Is it clear? इसके अलावा intrinsic factor और pepsinogen दो और आपके digestion के लिए secretion होते हैं. Intrinsic factor का काम क्या है? जिसको हम castle intrinsic factor भी बोलते हैं. ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, विटामिन B12। और पेप्सिन, जो पेप्सिनोजन में एक्टिवेट होता है, वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है। क्या करवाता है बच्चों? प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है। व्हिच एंजाइम इज दैट? पेप्सिन, जो कि एक्टिवेट होके पेप्सिनोजन बन जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? यस, चलो। हाँ, गॉबलेट सेल ये सब हम पढ़ाएंगे, जब डाइजेशन शुरू करेंगे ना बेटा तब सब पढ़ाएंगे। अभी हम सब बता रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा। गैस्ट्रिन आपके हार्मोन होती है जो कि डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है। पार्ट्स ऑफ स्टमक, स्टमक कितने पार्ट में डिवाइडेड है? कार्डियक, फंडस, बॉडी और आपके पाइलोरिक, ये चार पार्ट आपके स्टमक में होता है। ठीक है, चार पार्ट होता है, दैट इज जहां पे आपके स्फिंक्टर ओपन हो रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, इसके बाद कार्डियक पोर्शन होता है। ठीक है, कैसा पोर्शन? कार्डियक। ठीक है, ऊपर की तरफ जो इसका जे शेप का हेड है, दैट इज फंडस रीजन, पूरा जो शरीर है इसका बॉडी कहलाता है, और जो लास्ट पोर्शन होगा जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ओपन हो रहा होगा, दैट इज नोन एज पाइलोरस। ठीक है, दैट इज नोन एज पाइलोरस, और पाइलोरस के बाद भी एक स्फिंक्टर होता है, ये भी एक स्फिंक्टर रहता है। तो स्टमक की एंट्री में और एग्जिट दोनों ही तरफ एक स्फिंक्टर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर, दिस इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जल्दी बताइए। मैम का नाम याद रखो, डॉक्टर साक्षी बिरनवाल, और मैम टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस नाम से ही ढूंढना। ठीक है, टर्मिनल पाइलोरस पार्ट किससे गार्डेड है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से। किससे बच्चों? पाइलोरिक स्फिंक्टर से। इज इट क्लियर? फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक का काम क्या है? ये एक तो रिजर्वॉयर का काम करता है कि फूड को खोलते हुए रखता है। लोग कहते हैं ना पेट में दर्द हो रहा, पेट खाली है, तो जब तक खाना इसमें रहता है तब तक इंसान तृप्त रहता है। जैसे ही खाना खत्म, पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, खाना दो खाना दो खाना दो। तो ये रिजर्वॉयर है, फूड को स्टोर रखता है थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें से धीरे धीरे आपका इंटेस्टाइन डाइजेशन शुरू करके खत्म करेगा, जितना खाना रहेगा वो धीरे धीरे स्टोर होता रहता है और यूटिलाइज होता रहता है। ठीक है, दूसरा आपके उनका ब्रेकडाउन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, राइट, क्योंकि इसके पास पेप्सिनोजन है। ठीक है, जो कि पेप्टीन प्रोटीन्स को तोड़ता है। ठीक, तीसरा है, इसके अंदर आपके मसल्स प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, दैट इज इनवॉलेंट्री, जो कि खाने का खुद से मिक्सिंग और ग्राइंडिंग फर्दर करते हैं बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें भी होता है, जिसके कारण फास्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण फूड ग्राइंड और फर्दर आपके मिक्स होगा, ताकि वो बेटर तरीके से और टूट पाए। ठीक है, इसके अलावा HCl प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है फूड को। ठीक है, और जितने भी इसमें हार्मफुल आपके बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है फूड के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम आपका HCl करता है। Is it clear? हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है। अरे चलो, HCl प्रेजेंट है क्योंकि मैम यहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया उनको खत्म करना। ठीक है, अदर देन दैट व्हाई HCl इज नीडेड इन आवर स्टमक, एनीवन कोई बता पाएगा मुझे? ये मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगी बात, बट आई वांट द आंसर। HCl का काम क्या? एक ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना है, तो इसलिए HCl यहाँ पे है। तो HCl तो कहीं पे भी हो सकता था ना, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खत्म करना, इसोफेगस में डाल देते भगवान, राइट? बट व्हाई इज इट प्रेजेंट इन स्टमक? वेरी गुड नॉटी बॉय, नाम ही नॉटी बॉय रख दिया है भाई, गजब एकदम। HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है ये एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता और अपना काम करता है, दैट्स व्हाई HCl इज नीडेड। ठीक है, चल क्वेश्चन। पाइलोरस अकर्स बिटवीन किसके बीच में पाइलोरस होता है? बिटवीन, माय नेम इज कलुआ, कुछ भी बोलते हो तुम लोग ना, मजा आता है बोलने में, मैम कलुआ बुला लो, कुछ भी बोलोगे। पाइलोरस कहाँ होता है? स्टमक और इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग के बीच, और इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग क्या होती है? डियोडेनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गए भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपका स्टमक के बाद शुरू होगा।
तीन पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजनम और इलियम। सबसे ऊपर वाला पार्ट यू शेप्ड पार्ट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रहा है जहां से, दैट इज डियोडेनम। डियोडेनम के बाद आपका जेजनम शुरू होता है, कॉइल्ड मिडिल पार्ट, लॉन्गर पार्ट होगा, और फाइनली इलियम जो हाईली कॉइल्ड आपके पोस्टीरियर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, डियोडेनम, जेजनम और इलियम, इसी के अंदर मैक्सिमम एंजाइम सिक्रीट होंगे जो कि फूड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे उनका और एब्जॉर्प्शन शुरू कर देंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन केवल खाने को तोड़ नहीं रहा, उनको एब्जॉर्ब करना भी शुरू कर देता है। तो न्यूट्रलाइज द एसिड फ्रॉम स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला काम, जो एसिडिक फूड था क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम था, उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, बाइल सिक्रीट करेगा, जो फर्दर फूड को ब्रेक करेगा, इतना ब्रेक करेगा वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाएगा, ब्रेक्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड टू एब्जॉर्बेबल मटेरियल, सबसे छोटे पार्ट में, और 95% एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। कितना? 95%। ठीक है, तो जो बचा कुछ 5% है, मेनली वॉटर, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बाकी सब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सीकम, कोलम और रेक्टम। सीकम वो एरिया है जहां पे आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है, दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ट्यूबुलर रीजन है जो कि सीकम एरिया में देखा जाता है। सीकम का, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम क्या है, मेनली कहा जाता है कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारे डाइजेशन में, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंपॉर्टेंट है वहां पर रहना, क्योंकि वो हमारे फूड के डाइजेशन, हमारे गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कोलन। कोलन कैसा होता है, कोलन सबसे लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है, सीकम कोलन में ओपन होता है। कोलन तीन पार्ट में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलन, देखो ये रहा आपका सीकम एरिया, दिस इज असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, तीन पार्ट में कोलन डिवाइडेड। कोलन फाइनली आपका ओपन होता है रेक्टम में, और रेक्टम बाहर ओपन होता है एनस के थ्रू। ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो, फटाफट क्वेश्चन करो, प्लेलिस्ट बनवा देंगे दिलीप, डोंट वरी, प्लेलिस्ट बन जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस, come on everyone, it is a, yes it is a, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, is it clear? Chalo, walls of alimentary canal, alimentary canal ke paas char tarah ki walls hoti hai, अगर मसल लेयर की बात करें तो चार तरह की वॉल्स होती है। क्या रॉन्ग क्वेश्चन था भाई, कौन है ये मेहंदी, क्यों भाग रहे हो, अगर रॉन्ग लिखने का हिम्मत हो तो साफ साफ लिखो ना बेटा, लिख के काटो मत, क्या गलत है बताओ जरा, तो बताओ बताओ क्या रॉन्ग है, चलिए, बहुत स्मार्ट समझ रहे मैम, मैं तो बोल के चला गया, वाओ वाओ, बेवकूफ लगते हो तुम लोग और कुछ नहीं। चलो, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कितने से बना हुआ है, चार लेयर से बना हुआ है, इट इज म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर, मसल लेयर एंड सिरोसा लेयर। ठीक है, सिरोसा लेयर सबसे अंदर क्या है, म्यूकोसा लेयर, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मसल लेयर, और सबसे बाद सिरोसा लेयर। ठीक है, ये चार लेयर आपके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, अगर पूरा आप एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, चाहे इसोफेगस की, चाहे स्टमक की, कहीं पे भी चार लेयर प्रेजेंट रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, बकल कैविटी छोड़ दो, बकल कैविटी में डिफरेंट है, ठीक है, वहां पे अलग अलग म्यूकोसल लेयर, आपका आपका पैलेट वगैरह में अलग अलग चीजें होती है। ठीक, तो ये चार लेयर प्रेजेंट रहेंगी, म्यूकोसा लेयर सबसे अंदर वाली लेयर है जिसमें म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। सरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, मीजोथीलियम से बना हुआ है एंड कुछ कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट है, इनका मेजर काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, सबसे आउटर कवरिंग बनता है, प्रोटेक्शन देना।
उसके अंदर मसल लेयर है जिसमें स्मूथ मसल होंगे क्योंकि वो इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री होती हैं, खुद से आपके डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इट इज मेड अप ऑफ इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि जो आपका मसल लेयर होता है वो कैसा होता है, ठीक है, अंदर सर्कुलर लेयर होते हैं और बाहर लॉन्गिट्यूडनल लेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सब म्यूकोसा, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना, एक तरह से बेस दे रहा है आपके सब म्यूकोसा को, और म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है, इररेगुलर लेयर है जिसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं, जो कि आपके डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं, ठीक है। ये विलाई लाइक जो आपके पार्ट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट रहे। विलाई क्या है आपके? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हाँ, ऑब्लिक मसल होते हैं बट मेनली ये आपके रोल प्ले करते हैं सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूड। स्टमक में रफ में रूगे होते हैं, नव रूगे होते हैं जिसको आपके सरफेस एरिया को अनइवन बनाते हैं। डेफिनेटली रूगे आर प्रेजेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे जब डाइजेशन वाला पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर किस चीज से बना हो, कौन सी मसल से बना है? यहाँ आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर भी कनेक्ट हो रहा है। जल्दी बताइए, इट इज स्मूथ मसल, इट इज स्मूथ मसल, ठीक है। विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें स्मॉल कोनिकल शेप्ड आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, इसको हम विलाई कहते हैं। पोर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉनिकल शेप्ड, कैसे होते हैं? कॉनिकल, इस शेप के होते हैं कुछ इस शेप, इट इज कॉनिकल इन शेप, ठीक है, जिसमें आपके ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज दोनों प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लाइनिंग है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इनकी लाइनिंग जो है वो एंटरोसाइट से होती है। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये आपके विलाई है, विलाई के ऊपर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये छोटे छोटे सेल्स को हम क्या कहते हैं? एंटरोसाइट्स कहते हैं, वी कॉल देम एंटरोसाइट्स। ये सेल्स को हम, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इन सेल को क्या कहते हैं? एंटरोसाइट्स, एंटरोसाइट्स, ठीक है। इसी एंटरोसाइट के ऊपर आपके छोटे छोटे फिंगर लाइक और प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? दोज वी कॉल्ड माइक्रोविलाई, दोज वी कॉल्ड माइक्रोविलाई, ठीक है। विलाई के ऊपर एंटरोसाइट सेल होते हैं और उसके ऊपर आपके माइक्रोविलाई रहेंगे जो कि सरफेस एरिया को फर्दर इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो पाए। Is it clear? ज्यादा से ज्यादा absorption हो पाए, ठीक है। और एक चीज और, lymphatic capillaries जो होती हैं आपकी, ठीक है, blood capillaries के साथ lymphatic capillaries भी present होते हैं जो कि आपके villi को supply कर रहे हैं। क्यों present होते हैं lymphatic capillaries? ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। Reason क्या है इसका? क्योंकि fat के deposition में lymphatic capillaries का बहुत बड़ा role है, ठीक है। जब हम fat absorption पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बहुत ध्यान से फिर समझने वाले हैं। बस अभी हमें याद रखना है कि विलाई के पास दोनों तरह की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई भी और आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज भी वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है, क्लियर है। जो आपका विलाई पार्ट होता है उसमें नीचे आपके डिप्रेशन लाइक एरिया पड़ता है, डिप्रेशन लाइक एरिया जिसको हम क्रिप्स ऑफ लिवरकुल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिप्स ऑफ लिवरकुल, वी कॉल इट क्रिप्स ऑफ लिवरकुल, नाम याद रखना है, ठीक है। ऑन द सर्फेस ऑफ म्यूकस एपिथीलियम और म्यूकस, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट जो कि म्यूकस का सिक्रीशन कराते हैं, विच एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट एंड प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सरफेस फ्रॉम डैमेज। तो आपका जो सरफेस होता है म्यूकस एपिथेलियम का, आपके विलाई का, वहां पे गॉबलेट सेल प्रेजेंट है जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं ताकि आपका सरफेस ऑफ ये विलाई हमेशा सरफेस वेट रहे, उनको लुब्रिकेशन मिला रहे ताकि वो एब्जॉर्प्शन बेटर से बेटर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन करवा। Small slit like substance is present at the base of villi, जिसको हम crypts of Leverkun कहते हैं, ठीक है, crypts of Leverkun,
इम्फैटिक में आपके का बहुत बड़ा पार्ट बनता है, और मैक्सिमम विलाय कहाँ प्रेजेंट होती है? जेजुनम में, सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज जेजुनम, जहां पे सबसे ज्यादा विलाय प्रेजेंट होती है। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्लियर है सब? जल्दी बताइए। इंटेस्टाइनल विलाय आर मोर न्यूमरस एंड लार्जर इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देन इन एंटीरियर पार्ट, बिकॉज सबसे ज्यादा विलाय कहां प्रेजेंट होंगे? जेजुनम, बीच वाले पार्ट में। जल्दी बताइए। इसका पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम मेरे नाम से ढूंढ लेना, डॉक्टर साक्षी वर्मा। ठीक है, मुस्कान, वेरी लेट टुडे, वेरी लेट। डी, यस, देयर इज मोर फूड, मोर ऑफ फूड डाइजेस्टेड इन पोस्टीरियर पार्ट। यस, चल, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें, आज सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, बाकी सारे ग्लैंड्स कल पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं? जो एक्सेसरी ग्लैंड आपके एलिमेंट्री किनाल में अपना सिक्रीशन या किसी तरह का आपके लुब्रिकेटिव पोर कर रहे हैं, ताकि डाइजेशन प्रोसेस ज्यादा सिंप्लीफाई और ईजी हो पाए। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैव लुब्रिकेटिव, प्रोटेक्टिव, डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव फंक्शन बाय देयर सिक्रीशन, बाय देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट। ये कहाँ रिलीज होते हैं? आपके ओरल कैविटी में और डियोडेनम, दो मेजर एरिया जहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड पोर डाउन हो रहा है। ठीक है, पहला आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। वी आर टॉकिंग अबाउट सलाइवरी ग्लैंड फर्स्ट। बहुत तरह के सलाइवरी ग्लैंड हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब वो अपना सिक्रीशन अपने डक्ट के थ्रू पोर कर रहे हैं। सो एवरी सलाइवरी ग्लैंड हैज अ सलाइवरी डक्ट, जिसके थ्रू उनका सिक्रीशन पोर डाउन हो रहा है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड इसके अलावा एक आपके एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। और जब नाम आता है अमाइलेज, तो वी ऑलवेज रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट्स, वी ऑलवेज रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट्स। इज इट क्लियर? जिसका पीएच 6 होता है, दैट इज स्लाइटली एसिडिक, इट्स नॉट बेसिक, इट इज स्लाइटली एसिडिक पीएच। इज इट क्लियर? तो स्लाइटली एसिडिक पीएच सिक्रीट होता है ये एंजाइम, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च का डिपोजिशन कराता है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी स्टार्च का डिकम्पोजिशन कराता है, सॉरी नॉट डिपोजिशन, स्टार्च का डिकम्पोजिशन डाइजेशन करवाएगा। इज इट क्लियर? यस, 30% जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो आपके सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू ही बकल कैविटी में ही ब्रेक डाउन हो जाता है। तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर आप बोल सकते हो, और तीसरा है सबलिंगुअल। तीन तरह के आपके सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो कि आपके चीक एरिया में पाया जाता है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है तीनों में से। ठीक है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ चीक ऑफ अपर पैलेट, चीक रीजन में अपर पैलेट के पास, यहाँ पे आपकी पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम आप जो पहले देखे हो उसमें दिखा हुआ है आपको। ठीक है, कान के नीचे, ठीक कान के नीचे आपके यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड अमंग ऑल थ्री सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कि आपके मैंडिबल के नीचे इस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, इस एरिया में, जस्ट मैंडिबल के नीचे, यू कैन फील दिस सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, जब आपका ये मैंडिबल इसके नीचे आपके फील कर सकते हो। एंड सब लिंगुअल इज प्रेजेंट एट द बीनीथ ऑफ टंग। ठीक है, टंग के बेस के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड का जो डक्ट होता है उसको डक्ट ऑफ रिवेनस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डक्ट ऑफ रिवेनस, जो कि फ्लोर ऑफ माउथ पे ओपन करेगा। दीज आर द थ्री ग्लैंड्स प्रेजेंट। जायगोमेटिक बेटा बोन है, जायगोमेटिक इज नॉट अ ग्लैंड। जायगोमेटिक बोन है वो मत पढ़ो भाई, वो चीक बोन को कहते हैं, वो तो अलग चीज तुम पढ़ ही रहे हो। ठीक है, फेस में बहुत सारे आपके बोन्स और मसल्स होते हैं। पैरोटिड है बेटा, पैरानोइड नहीं है प्रिंसेस, पैरोटिड ग्लैंड है, पैरानोइड ग्लैंड नहीं है। डिसफंक्शनल हो जाएगा पैरानोइड होगा तो।
ठीक है, इट हैज पैरोटिड सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। हाँ, डक्ट ऑफ स्टेंशन पूछा नहीं जाता, डक्ट ऑफ रेविनस ही पूछा गया, इसलिए इसी का नाम आपको बताया। स्टेंसन्स डक्ट कहीं मेंशन नहीं है। चलो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स, हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर, कितने टाइप के होते हैं। कम ऑन एवरीवन, थ्री टाइप्स ऑफ यस। चलिए तो आज का सेशन इतना ही होगा बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 3 बजे आज क्लास है, जिसमें मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के PYQs कराने वाली हूँ, और इसका नेक्स्ट सेशन सुबह 9 बजे होगा कल, ठीक है। तो होपफुली कल थोड़ी तादाद बढ़ाएंगे, आप इतना डिमोटिवेट, नया बैच शुरू हुआ इतने डिमोटिवेटेड, दिस इज नॉट डन राइट। चलिए, कोई क्वेरी है तो फटाफट से पूछ लो, आई एम हियर ओनली। हाँ पूछिए पूजा, क्या क्वेश्चन है, बाकी हमको फटाफट बता दे रहे हैं। अभी अनलॉक 20 चल रहा है, जिसमें आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप प्लस या आइकॉनिक का ले रहे हैं, चाहे 1 ईयर का, चाहे 2 ईयर का, चाहे 18 मंथ का, चाहे 9 मंथ का, यू विल गेट फ्लैट 20% ऑफ विद दिस कोड, एंड यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस अलॉन्ग विद दिस, ठीक है। चलो पूजा बेटा, वो आप टेलीग्राम पे पूछ लो, वैसे यहाँ पूछो अगर, इफ आई कैन आई हैव टाइम आई विल टेल। 26 से 30th के बीच में आपका ये ऑफर है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, तो यू कैन अवेल इट एज सून एज पॉसिबल। मैम आप नहीं हो अनअकैडमी पे, नहीं बेटा मैं नहीं हूँ। चलो आप लग रहा बहुत दिन बाद आ रहे हो, मैम तो कितने दिन से पढ़ा रही, बच्चों बताओ मैम कितने दिन से यहाँ पे। साक्षी 100 से अब आप एक और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो 11 12 के साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन कराएगा। 1 या 2 ईयर का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले, उसके साथ CBSE प्लस आपको क्लब करके दिया जा रहा है, ताकि आपके बोर्ड्स की तैयारी भी साथ साथ हो जाए। एंड ये बेस्ट ऑफर इस समय आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है, विच यू आर गेटिंग आफ्टर दिस ऑफर, यू आर ओनली गेटिंग आफ्टर अप्लाइंग द कोड साक्षी 100, एंड यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस अलॉन्ग विद इट। और अनसैट आपको पता 8 और 15 अक्टूबर को आ रहा है, और इसमें एनरोल करना सुपर इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी रैंक पता कर सकें, और 100% तक की स्कॉलरशिप भी आप जीत सकते हैं। तो इसी कोड से आपको इसमें एनरोल करना है, ठीक है। एंड मेजर अनाउंसमेंट आपकी कल हो गई है, एकलव्य बैच आज से शुरू हो चुका है, अग्नि बैच आपका 30th of September से स्टार्ट हो जाएगा प्लस पे, जिसमें गरिमा मैम, गौरव सर और उज्जवल सर मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं। कोड आपको साक्षी 100 यूज करना है, प्लस या आइकॉनिक किसी को भी आप एनरोल कर सकते हैं। अब अनअकैडमी में ऑफलाइन पढ़ना भी हो गया आसान, क्योंकि अब टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर आपको कोटा, लखनऊ, नोएडा और पटना में ऑफलाइन पढ़ाने भी आ चुके हैं। कोटा में आपके नया बैच शुरू हुआ है, मास्टर प्रो बैच 22 सितंबर से कोटा में शुरू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बैच आपका शुरू हुआ है नीट UG सुपर 100 बैच 15 सितंबर से नोएडा में, और नीट कॉन्कर बैच 19 सितंबर से पटना में शुरू हो चुका है। इसमें भी एनरोल करने के लिए आपको सेम कोड यूज करना है साक्षी 100, ठीक है। मैम मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, नहीं मिलने वाला है क्या, कौन सी, क्यों मेहनत, मैम आप हंस क्यों रही हो, अरे कुछ भी। सेम स्पीशीज में कंपटीशन ज्यादा होता है, डेफिनेटली ज्यादा होगा, सेम स्पीशीज में ज्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि उनकी हैबिट सेम है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर देन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, बट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्पीशीज अपने लोगों को बचाने के लिए इंटर स्पेसिफिक ज्यादा लड़ लेती है, ठीक है। पहले इंटर स्पेसिफिक लड़ती है, अगर सेम चीज के लिए लड़ाई हो रही है, बेटा हुडा चैप्टर आपका 3 दिन में खत्म होगा, कल और परसों और पढ़ाएंगे, फिर अगला सेशन जो होगा सिर्फ क्वेश्चन का होगा, समझ रहे हो। मैंने ये बताया था कल एकलव्य बैच में कि मैं क्वेश्चन तो आपके क्लास में थोड़े बहुत कराती हूँ, ताकि आपका एक बार पता रहे कि जो आप पढ़े हो अभी तक वो टॉपिक आपको समझ में आया नहीं, लेकिन इसका क्वेश्चन सेशन मैं अलग से कराऊंगी, और यूनिट खत्म होने के बाद यूनिट के क्वेश्चन ओवरऑल भी कराऊंगी, मैंने ये बोल रखा है, डोंट वरी, ठीक है। चलो ओके बच्चों, पार्टी, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हैव अ ग्रेट डे।